अनुपमा के अगले एपिसोड यानी 3 मई के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि आद्या डिब्बे में फंसी है और अनुपमा मदद करने आती है तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन अनुपमा वहीं पास में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद कोशिश करने के बाद भी आद्या डिब्बे से नहीं निकल पाती और अनुपमा से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन अनुपमा इग्नोर करते हुए आद्या का वीडियो बनाती है। वहीं आद्या बार बार हेल्प हेल्प बोलती है तो अनुपमा उससे पूछती है कि क्या वो उससे कह रही है, तो आद्या हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद जब आद्या बाहर आती है तो वो अनुपमा का हाथ झटक देती है और कहती है कि आपकी वजह से ही उसके साथ ये सब हुआ। वहीं शाह हाउस में सुबह टीटू आता है और टीटू को देखकर अंश उसके पास नहीं जाता है। टीटू उससे कहता है कि वो उसके लिए रिमोट वाली कार लेकर आया, लेकिन अंश उससे कहता है कि ना मुझे आपकी कार चाहिए और ना आप। वहीं श्रुति को देखकर डॉक्टर बोलती है कि वो जल्दी ही ठीक हो रही है। इस पर श्रुति कहती है कि मुझे शादी करने की जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो रही हूँ, मेरा बस चले, मैं अभी यहीं शादी कर लूँ। उधर दूसरी तरफ अनुपमा आद्या को देखने उसके कमरे में जाती है तो देखती है उसे तेज बुखार है। इसके बाद उसकी पानी से पट्टी करती है, तभी अनुज का वीडियो कॉल आ जाता है तो अनुपमा उसको बताती है कि आद्या को बुखार है, जिसको सुनकर अनुज परेशान हो जाता है। तो अनुज कहता है कि वो आता है तो अनुपमा उसको आने से मना कर देती है। अनुश्रुति से कहती है कि जल्दी घर आने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास उसकी माँ है। वहीं अनुश्रुति से कहता है कि जल्दी घर चले तो वो कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, अनुपमा की फिक्र हो रही है, तो वो कहता है कि आद्या को बुखार है। अनुश्रुति जब घर पहुंचते हैं तो अनुपमा आद्या को गले लगाए हुए लेटी होती है। श्रुति को जलन होती है और वो बार बार अनुज से शादी की जिद करती है। तभी अनुपमा के पास वनराज का फोन आता है कि वो जल्दी आए, उसके लिए सरप्राइज है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।